Good morning dear student, today we will start exercise 7.6. Now question number 1, solve. 8 by 3 plus 1 by 7, हमें यहाँ पर 8 करना है. हमने जो last exercise देखी थी 7.5, वहाँ पर हमारे पास denominator same थे, तो हमने easily उसे 8 कर लिया था, but यहाँ पर denominator different है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इससे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम इजीली ऐड कर सकते हैं. सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा. 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 7, अब मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब मुझे 21 लाना है, तो 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 21 आ जाए 7 से, 3 7 जा 21. यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लाई होगा. 3 7 जा 21, 2 7 जा 14 प्लस 1 बाय 7. अब 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ जाए, 7 3 जा 21, 1 3 जा 3, 14 बाय 21 प्लस 3 बाय 21, 14 प्लस 3 बाय 21, 14 प्लस 3 होगा 17 by 21. Now question number first part G. 3 by 4 subtract 1 by 3. हमने A part A में 8 किया था, यहाँ पर हमें subtract करना है. LCM को 4 and 3. सबसे पहले हम LCM लेंगे क्योंकि denominator हमारे different है. Unlike fraction और like fraction में convert करने के लिए हमें LCM लेना पड़ता है. So LCM को 4 and 3 equals to 12. अब 4 में किससे multiply करेंगे कि 12 आ जाए, so 3 से 4, 3 जा 12, 3 3 जा 9, subtract 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, subtract 3 4 जा 12 and 1 4 जा 4, 9 subtract 4 by 12, 9 में से 4 को subtract करेंगे तो कितना आएगा, 5, तो हमारा answer होगा 5 by 12. Question number first part I. 2 by 3 plus 3 by 4 plus 1 by 2. अभी तक हमने जितने 8 और subtract किए हैं उनमें सिर्फ 2 digit है, which means 2 fraction है, but यहाँ पर 3 है, तो जैसे हमने 2 digit में किया था वैसे ही हम 3 digit में भी करेंगे. 3, 4, 2 denominator different है, हम क्या लेंगे, LCM of 3, 4 and 2 equals to 12. 2 by 3, अब 3 में किसका multiply करने की 12 आ जाए, so 3 4 जा 12, और अगर denominator में 4 से multiply कर रहे हैं, which means numerator में भी हम 4 से ही multiply करेंगे, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 10, 4 multiply 3, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, plus 2 6 जा 12, and 1 6 जा 6, same 8 by 12, plus 9 by 12, plus 6 by 12. Denominator तीनों के same है. अब हम easily add कर सकते हैं. Denominator as it is 12, 8 plus 6 plus 9, 8 plus 9 plus 6 को हम 8 करेंगे तो कितना आएगा? 23, 23 by 12. Question number first part K. 1, 1 by 3 plus 3, 2 by 3. अभी तक जितने भी हमने solve किए हैं, उनमें से fraction given था, but ये है mixed fraction. 1 1 by 3 plus 3 2 by 3. हम एक हमारे पास whole number है और एक fraction है. यहाँ पर भी एक whole number है और एक fraction है. हम whole number को separate कर लेंगे और fraction को भी separate कर लेंगे. 1 plus 1 by 3 plus 3 plus 2 by 3. 1 plus 3 plus 1 by 3 plus 2 by 3. जो हमारे whole number है उन्हें हमने साथ में लिखा है. 1 plus 3 and fraction हमने साथ में लिखे है, 1 by 3 plus 2 by 3, so 3 और 1 plus 3, 4 plus 1 by 3 plus 2 by 3. सबसे पहले हम fraction को solve करेंगे. Now 1 by 3 plus 2 by 3, denominator same है, 3 as it is, 1 plus 2 equals to 3, 3 by 3, 3 से 3 divide होगा, मतलब 3 की table में 3 कितने time में आता है, 1 time. Then 4 plus 1 by 3 plus 2 by 3. 4 as it is. हमने जो fraction solve किया था 1 by 3 plus 2 by 3 उसकी value क्या है? 1. तो 4 plus 1 equals to 5. Now question number 1 part A. 4 2 by 3 plus 3 1 by 4. ये mixed fraction है. अभी हमने इसके पहले इसके जैसा ही एक sum solve
बट हम एको मैट्रिक्स से भी यूज कर सकते हैं, मतलब एको मैट्रिक्स से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर के पास वाले डिजिट से मल्टीप्लाई एंड जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर में ऐड करना है। 3 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई 4 डिनोमिनेटर के पास वाले डिजिट से मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई 4 और न्यूमरेटर में हमें क्या करना है 8, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 प्लस एज इट इज, यहाँ पर भी हम यही करेंगे डिनोमिनेटर के पास वाले डिजिट से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में 8, सो 4 3 सा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 बाय 4, 3 4 सा 12 और 12 प्लस 2 14 बाय 3 प्लस 4 3 सा 12 प्लस 1 13 बाय 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इक्वल्स टू 12, सो 3 4 सा 12 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 3 सा 12 सो 13 मल्टीप्लाई 3, 3 4 सा 12 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा प्लस 4 3 सा 12 एंड 13 मल्टीप्लाई 3 इट्स 39, सो 56 प्लस 39 बाय 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 95 बाय 12, 4 2 बाय 3 प्लस 3 1 बाय 4 का आंसर होगा 95 बाय 12।